चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां एक बार फिर आईनिश न्यूज की और हरी भूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां डीकेएस हॉस्पिटल में 32 लाख की दवा एक्सपायर होने का मामला सामने आया था। बता दें कि जिसके बाद इस खबर को आईनिश न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। वहीं इस मामले में अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले की जाँच कराई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगर बिना डिमांड किए दवाई सप्लाई हुई होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का एक और नया कारनामा फिर चर्चा में है। निजी एजेंसियों को लाभ पहुंचाने सरकारी अस्पताल में गैर जरूरी और आवश्यकता से अधिक दवाओं की खपत का खेल जारी है। CGMSC द्वारा 2 साल पहले बिना डिमांड डीके अस्पताल को 57 लाख की कैल्शियम वाली IV फ्लूट की सप्लाई कर दी गई थी। इसमें से लगभग 25 लाख की दवा का उपयोग हो पाया और 32 लाख की दवा बिना उपयोग के एक्सपायरी हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन दवाओं का उपयोग कम मात्रा में होता है, इसलिए एक्सपायरी होने की मात्रा अधिक हो गई। मामले में डीके हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिप्रा शर्मा का कहना है कि संबंधित IV फ्लूट का उपयोग कम होता है और CGMSC द्वारा लगभग 2 साल पहले इसकी ज्यादा मात्रा में सप्लाई कर दी गई थी। मई में काफी IV फ्लूट एक्सपायरी हो गई, इसके बेकार घोषित कर नष्टीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। पिछले 5 सालों में इसी प्रकार का पूरा चला है और ये बात आपका कहना सही है कि जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा डिमांड हुई है, ढेर सारे दवाइयाँ एक्सपायर हुई हैं, कुछ दवाइयाँ पहले सप्लाई हुई दवाइयाँ एक्सपायर होने जा रही हैं। तो हम लोग इसको जिला स्तर पर तो मांग कर लिए हैं पूरे जगहों से कि कितनी हम लोगों को डिमांड भेजा गया पिछले समय में और कितनी दवाई CGMSC से सप्लाई हुई। अगर बिना डिमांड के दवाइयां सप्लाई हुई होंगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी, और किसी हॉस्पिटल ने डिमांड करके दवाई मंगाई और वो एक्सपायर हो रही है, ठीक है 2-5% होता है, परंतु बड़े मात्रा में अगर कहीं एक्सपायर हो रही हैं या उपयोग नहीं हो रहा है तो इसकी बिल्कुल जाँच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।